नमस्कार, मैं पूजा राणा। मेरे अपने इस चैनल सुरभि आयुर्वेदा में मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक लेकर आती रहती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कपालभाति प्राणायाम कैसे करें, कपालभाति प्राणायाम से होने वाले फ़ायदे और कपालभाति प्राणायाम करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। उससे पहले, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। सुबह सुबह केवल 5 मिनट कपालभाति करने से कई बीमारियां दूर हो जाती है। इसे करने से ब्लड सर्कुलेशन तो अच्छा होता है, साथ ही दिमाग भी शांत रहता है। योग आपके मन और शरीर को स्वस्थ रखने का बेहतरीन विकल्प है। इसे करने से पुराना रोग भी चुटकियों में सही हो जाता है। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो कपालभाति जरूर कीजिए, यह स्वयं में परिपूर्ण है। अगर इसे कर लिया जाए तो शायद ही आपको कोई और आसन करने की ज़रूरत पड़े। इससे बहुत सारे फायदे हैं। देखा जाए तो कपालभाति किसी तरह का प्राणायाम नहीं है, यह एक क्लेंजिंग टेक्निक है जिसे षटकर्म के अनुसार योग में शामिल किया गया है। षटकर्म वो क्रियाएं हैं जिन्हें नियमित रूप से किया जाए तो शरीर से 60% विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ये क्रिया सांस के साथ ही जाती है, इसलिए इसे प्राणायाम कहते हैं। यदि सही तरीके से किया जाए तो यह आपके दिमाग को शांत रखने के साथ 100 से भी ज़्यादा बीमारियों से छुटकारा दिलाता है। अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए नियमित रूप से कपालभाति करना फायदेमंद साबित होता है। तो आइए जानते हैं कपालभाति प्राणायाम करने के तरीके, उससे होने वाले फ़ायदे और हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। आइए जानते हैं कपालभाति प्राणायाम कैसे करें। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों से चित्त मुद्रा बनाएं। अब इसे अपने दोनों घुटनों पर रखें। गहरी सांस अंदर की ओर लें और झटके से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें। ऐसा कुछ मिनट तक लगातार करते रहें। एक बार में इसे 35 से लेकर 100 बार करें। अगर आप कपालभाति की शुरुआत कर रहे हैं तो 35 से शुरू करें और दिन के हिसाब से इसे बढ़ाते जाएं। अब जानते हैं कपालभाति प्राणायाम के फायदे। रोजाना कपालभाति करने से लीवर और किडनी से जुड़ी समस्या ठीक होती है। शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखने के लिए यह आसन बहुत ही फायदेमंद है। नियमित रूप से कपालभाति करने से आंखों के नीचे काले घेरे की समस्या भी खत्म हो जाती है। आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखने और मेटाबॉलिज्म में सुधार करने के लिए कपालभाति बहुत ही फायदेमंद है। गैस और एसिडिटी की समस्या में ये बहुत ही लाभदायक है। इसमें सांस छोड़ने की प्रक्रिया करने से फेफड़े लंबे समय तक ठीक से काम करते हैं। कपालभाति करने से याददाश्त बढ़ती है और दिमाग भी तेजी से काम करता है। अब जानते हैं कपालभाति प्राणायाम करते समय क्या क्या सावधानियां रखें। कपालभाति प्राणायाम करते समय अपनी सांस लेने की स्पीड को घटाएं या बढ़ाएं नहीं, एक समान रखें। इसे करते समय आपका पूरा ध्यान पेट के मूवमेंट पर होना चाहिए, सांसों पर नहीं। कपालभाति प्राणायाम करते समय कंधे नहीं हिलने चाहिए। सांस अंदर लेते समय पेट बाहर की ओर और सांस छोड़ते समय पेट अंदर की ओर होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट लेकर आती रहूँ तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।